क्या क्या ऑर्डर किया कति? 2 पापड़म, केरला के पापड़ एक, उस पर थोड़ा सा पनीर भी ग्रेट करेंगे। सो वी हैव दिस बेडशीट जो कि हमने ली है। तो चीज़ी स्पाइसी वेज मोमोस, इसको पहले करना होता है स्टीम। डीमार्ट चाहिए, घर के पास में डीमार्ट चाहिए। एवरीबॉडी अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड नॉट गुड मॉर्निंग, इट्स आफ्टरनून। 1 बज गए हैं। बाय द वे व्लॉग थोड़ा सा लेट शुरू कर रही हूँ, बट इट्स गोइंग टू बी वीकेंड व्लॉग। सो सैटरडे संडे हम ऑफ, मतलब वीकेंड एंजॉय करते हैं। मतलब सागर का तो ऑफ रहता है, मेरा तो प्रोफेशन आपको पता है, ऐसा नहीं है कि कोई दिन छुट्टी होती है, बट उसकी होती है तो थोड़ा सा काइंड ऑफ वैसा वीकेंड वाला मूड होता है। तो घर पे वीकेंड में क्या करते हैं, तो आज सुबह से थोड़ी सी ऐसे भसड़ हो गई थी, तो आपको थोड़ा सा ऐसे मैं रिवाइंड कर देती हूँ कि क्या क्या किया है सुबह से। सुबह उठे, नाश्ता किया, नहा धो के पूजा वूजा करके नाश्ता किया। उसके बाद फिर मेरा एक मैट्रेस है, वो डिलीवर होने वाला था, मतलब घर का एक मैट्रेस डिलीवर होने वाला था। वो लेने के लिए हमें ब्लू डार्ट के ही गैरेज, जहाँ पे एक्चुअली होता है सब कुछ, वहाँ जाना पड़ा, क्योंकि वो बोल रहे थे वो थोड़ा लेट डिलीवर करेंगे। हम सोच रहे थे हम वीकेंड है, फ्री है, तो हम फटाफट से असेंबल कर लेंगे, घर थोड़ा सेट कर लेंगे। गेस्ट रूम सेट करना था, पिछले वाले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा। तो वो हम लेने के लिए गए, वो लेकर हम अभी वापस आए, और रास्ते में फिर डीमार्ट था, तो डीमार्ट भी चले गए गेस्ट रूम में रखने के लिए, घर का थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए। सो बस घर आए हैं, अभी भूख लग गई है, तो खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। आज मैं खाने में थोड़ा स्पेशल बना रहे हैं, फ्रोजन वाले जो मोमोज होते हैं वो लेकर आए थे कल, तो वो है। और पास्ता एक साइड में बना रही हूँ, पास्ता बॉईल करने के लिए रख दिया है। और पतिदेव नहाए, अभी नहा के आ रहे हैं, जस्ट इनका ओ नया टी शर्ट भी पहन लिया, ये इन्होंने डीमार्ट से लिया। डीमार्ट चाहिए, घर के पास में डीमार्ट चाहिए। 8 लाख एक्स्ट्रा देना पड़ेगा बॉस, बना दूंगा। No. ये सारी बातें चलती रहेगी। अभी फटाफट से ओ मेरा पास्ता ऑलमोस्ट बॉईल हो गया। वेजिटेबल चॉप करके वॉश कर दिया, अनियन चॉप करना है। ये मेरा पास्ता बॉईल हो गया, इसको ड्रेन कर लेते हैं, पानी से निकाल लेते हैं। मोमोज वाला आप करोगे, स्टीम पे रखोगे? तो यहाँ पे ये पैन जाएगा, इसमें तेल वेल डालती हूँ मैं, और थोड़ी देर में आपको दिखाती हूँ कि डीमार्ट से क्या लेके आए हम। दिस इज सिचुएशन। हाँ, ये वाले मोमोज है, दिखाना एक बार। दिस मोमोज, ये बहुत टाइम से ऐसे ट्राई करने का मन था कि कैसे होते हैं एक्चुअल में। तो चीज़ी स्पाइसी वेज मोमोज, इसको पहले करना होता है स्टीम, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, पहले स्टीम करेंगे। देन आप इसको 3 तरीके से यूज़ कर सकते हो, पैन फ्राई कर सकते हो, डीप फ्राई कर सकते हो, वो हम नहीं करेंगे, हम एयर फ्राई करेंगे, है ना। और सबसे अच्छी एक चीज़ अगर मैं आपको बता दूँ, तो आप इस पर पढ़ सकते हो क्या लिखा हुआ है। oh, no. मानी जी ने एक्स्ट्रा मेहनत की, फालतू की, बच जाएगी। हमारा लंच रेडी है, कितना यमी दिख रहा है सब कुछ। पास्ता, मैक्रोनी, सम नाचोस, ये हो गए हमारे पैन फ्राइड मोमोज। कांट वेट टू डिग इन, लेट्स गो। चल ले चल एक प्लेट। स्वीट की क्रेविंग हो गई, तो हमने ऑर्डर किया, दिस इज मोका जार है ये, और इसमें है ब्राउनी। और हम Z5 पे देख रहे हैं किसी का भाई किसी की जान, ऐसे टाइम पास कर रहे हैं। वाओ, चलो मीठा मीठा खाएं। हाँ जी एवरीबॉडी, तो ये है सारा सामान जो हम डीमार्ट से लेकर आए हैं। फटाफट से दिखा देती हूँ, क्योंकि ये हॉल वगैरह करने की जो आदत थी, शॉपिंग हॉल और ये सब जा चुकी है एकदम, पर आज क्योंकि लेकर आए तो चलो दिखा देते हैं। कुछ स्टोरेज के लिए चीज़ें हैं, ये हम वॉशरूम में रखेंगे, गेस्ट वॉशरूम जो हमें पूरा रेडी करना है, तो वो आपको शायद कल रेडी मिल जाएगा ये व्लॉग, क्योंकि मैं 2 दिन का पूरा एक साथ करने वाली हूँ। तो देखते रहो वीडियो, आगे हम पूरा रूम सेट करने वाले हैं। ये पीछे आपको एक बड़ा सा ये दिख रहा है, जो ये हमारा मैट्रेस है जो कि आ चुका है, हम लेकर आ गए हैं। सो या ये स्टोरेज के लिए है, वॉशरूम में रखने के लिए। देन कुछ स्टोरेज डब्बे हैं, वैसे मैं प्लास्टिक ज़्यादा यूज़ हम करते नहीं है घर पे, पर ये एयर टाइट वाले हैं, तो इसमें कुछ वेजीज, फ्रूट्स, वो सब रखने के लिए। किचन में एक्चुअली फ्रिज में रखने के लिए डब्बे लेकर आए हैं, तो दिस आर वेरी चीप, 99 रुपीज़ के ये वाले हैं, और दिस वन इज़ फॉर 119। देन व्हाट वी गॉट, ओडोनिल, रैंडम सब मखाना बहुत ही रैंडम चीज़ें। ये कुछ 2-3 टी शर्ट लिए हमने सागर के लिए घर पे पहनने के लिए। बाकी कपड़े हम कभी डीमार्ट से नहीं लेते, ये जस्ट नाइट वेयर और समथिंग। ये सोप डिस्पेंसर है, मतलब डिस्पेंसर नहीं, सोप रखने का वो है। एंड देन वी गॉट अ छन्नी फॉर चाय एंड थिंग्स लाइक दैट इन किचन। अगेन रैंडम चिप्स। देन हमने ये 2 डोर मैट्स लिए हैं, एक ऐसा प्लेन है और एक थोड़ा सा ऐसे स्ट्राइप वाला है। तो ये भी हमारे रूम के थीम के साथ बढ़िया जाता है, क्योंकि हमारा रूम जो है बेडरूम वो पूरा वाइट और ग्रे के उसमें है। तो या दैट्स दैट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव दिस बेडशीट जो कि हमने ली है। क्वालिटी वाइज पता नहीं कैसी, ऐसे कपड़ा ऐसे यहाँ से देख के तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो वी गॉट अ किंग साइज मैट्रेस, तो उसके लिए किंग साइज का बेडशीट विद 2 पिलो कवर्स। ये है 499 का, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल है इस रेट में। अब ये वॉश करके ही पता चलेगी, अभी तो इसकी क्वालिटी बढ़िया लग रही है, पर वॉश करके कैसा हो जाता है वो तो बाद में ही पता चलेगा। सो ये सारी चीज़ें जो कि हम डीमार्ट से लेकर आए हैं। सो ये तो था मिनी हॉल डीमार्ट का। बाय द वे सागर अभी थोड़ी देर के लिए सो गया है, हम मूवी देखते देखते हमने डेजर्ट वेजर्ट खाया और वो सो गया। अभी मैं क्या करने वाली हूँ, तो मुझे थोड़ा सा वीडियो वगैरह अपलोड करना है। इससे पहले जो आपने व्लॉग देखा होगा वो अपलोड करने पे लगाना है, तो वो अपलोड हो जाएगा। और दूसरे भी और छुटपुट काम है वो मैं करूँगी, तो हाँ हम उस पर लगते हैं। एंड जब वो उठेगा तब हम मैट्रेस खोलेंगे और वो सारी चीज़ें, तब आपको मैट्रेस दिखाते हैं। So everybody, हमारी हालत कुछ ऐसी हो गई है, एकदम स्वेटिंग पूरा रूम वूम हम मैट्रेस के चक्कर में वो हो रहा है। नया वाला मैट्रेस लग रहा है। और आगे हमने स्लीपी कैट का मैट्रेस लिया है गेस्ट रूम के लिए, वो भी हम कर रहे हैं। बहुत पसारा है तो वो थोड़ी आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद बिफोर आफ्टर वाला ऐसा दिखाते हैं। अभी के लिए फटाफट ये सब खत्म करना है, क्योंकि हमारी स्विमिंग क्लास का भी टाइम होगा। 6:30 बजे में निकलना होता है स्विमिंग क्लास के लिए। अभी यहाँ पे गद्दा ले आते हैं, चलो, और फटाफट से यहाँ पे चादर लगा देते हैं। हाँ जी एवरीबॉडी, तो अब हम निकल गए स्विमिंग क्लास के लिए। घर ऐसे पूरा कम्प्लीटली कल ही सेट होगा, क्योंकि कल संडे है। आज हमने थोड़ा बहुत सा किया है, मैट्रेस खोल के वो लगा दिया है, वो सब रूम वूम क्लीन अप। कल सफाई होगी, जब हमारी मेड दीदी आएंगे तब फिर सफाई वफाई करके फिर हम फाइनल उसको रेडी करेंगे। अभी के लिए आज के लिए बहुत हो गया। इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है अहमदाबाद में कि क्या बताऊँ। मतलब शक्ल देखो, ऐसे ये ग्लो नहीं है, बिल्कुल ग्लो नहीं है, ये पसीना है, मेहनत का पसीना। जितनी मेहनत करी है हम लोगों ने, अभी अच्छा लगेगा स्विमिंग करके। और मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है स्विमिंग करने में आजकल, क्योंकि मैं थोड़ा ऐसे स्विम करना सीख गई हूँ, तो मुझे मज़े आ रहा है। यस अभी ये बंदा है चाय की तलाश में, क्योंकि इसको घर पे चाय नहीं मिली। चाय लवर, कमेंट बिलो गाइस इफ यू आर आल्सो अ चाय लवर। आई एम अ कॉफी पर्सन, ही इज अ चाय पर्सन। सो घर पे आज इसने शाम को चाय नहीं पिया था, इसको चाय पीनी है अब बाहर। आज सब कुछ चीट डे चल रहा है, तो हमने सोचा थोड़ी सी भेलपुरी भी खा लेते हैं। तो स्विमिंग क्लास से वापस आके वी आर हैविंग सम बॉम्बे स्टाइल भेल विथ दही गुपचुप। वेरी गुड मॉर्निंग, इट्स संडे मॉर्निंग गाइज। कल आने के बाद हम बस कुछ खाया पिया नहीं था, क्योंकि हमने बाहर से भेलपुरी वगैरह खा रही थी, तो हम सो गए थे आके। कपड़े भी देखो, मतलब यही चेंज नहीं किए थे, ऐसे सो गए थे। अभी सुबह उठी हूँ, चलिए नहाने से पहले पूरे घर की सफाई वफाई जो करनी है। अभी हम वॉशरूम क्लीन कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को ऐसे जब पहली बार आए थे तो हमने अर्बन कंपनी से बुलाया था क्लीनर और उससे करवाया था। तो हमारा वॉशरूम इतना गंदा नहीं, क्योंकि हम 2 ही लोग यूज़ करते हैं। तो हम लोग ऐसे थोड़े थोड़े दिन में वीकेंड पे या फिर जब भी हम ट्रिप से वापस आते हैं तो हम साफ़ कर लेते हैं। तो वो अभी चल रही है सफाई। उसके बाद हमने फ्रिज भी क्लीन करना है, क्योंकि हमारा फ्रिज भी काफ़ी ऐसे उथल पुथल हो गया है, तो फ्रिज भी साफ़ करना है। पहले वॉशरूम क्लीन करेंगे, उसके बाद फिर फ्रिज वगैरह साफ़ करेंगे। नहा धो के मैं नहा के करूँगी, क्योंकि किचन का छूना अभी सही नहीं है। पहले वॉशरूम क्लीन करके फटाफट से नहा के उसके बाद फिर हाँ जी गाइस, तो नहा लिए हैं हम और नाश्ता बनाने की तैयारी हो रही है। नाश्ते में फ्रिज भी मैंने साफ़ कर दिया है। अभी नाश्ते में क्या बन रहा है आज, तो बेसन और साथ में ना थोड़ा सा घिया ग्रेट करके और प्याज, धनिया, हरी मिर्च सब डाल के चीला बनाने वाला है। तो उस पर थोड़ा सा पनीर भी ग्रेट करेंगे। सो प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट, यस दैट्स द प्लान फॉर द ब्रेकफास्ट। बाय द वे घर पूरा साफ सुथरा हो गया है, जैसे कि आप देख सकते हो। पूजा भी हो गई है, कपड़े भी धुल गए हैं। ये ऊपर जस्ट कल वाले पड़े हुए, कल के बाद में डाल देंगे। अभी एक राउंड धुल चुके हैं कपड़े, कपड़े मुझे सुखाने हैं। मीनवाइल चीला बनेगा, तब तक मैं कपड़े डाल दूँगी बाहर। मल्टीटास्किंग देख रहे हो लड़की की, ऐसे ही करती हूँ मैं। एक साइड पे सब ब्रेकफास्ट बनता है, क्योंकि यार चीला, उत्तपम ये सब बनने में ना थोड़ा टाइम लगता है। को डाल दो, फिर ढक दो, फिर वो होते रहता है। तो मैं तब तक फटाफट से एक दो करके कपड़े भी डाल दूँगी। और हाँ, ये भी हो जाएगा। फिर उसके बाद आज वर्कशॉप है मेरी 3 से 5 बजे के बीच, उसकी थोड़ी सी तैयारी करनी है, वो करूँगी। और बस चिल करेंगे, घर पे ही है, कुछ नहीं प्लान है आज, क्योंकि मेरी वर्कशॉप है। वर्कशॉप के बाद में भी इफ़ कुछ फील होगा तो शाम को कहीं जाए, अभी कुछ भी ऐसा वो नहीं है। बट हाँ, अभी तक का तो ये प्लान है। चलो नाश्ता बनाएंगे। सो सॉरी गाइज़, मैंने पूरी आफ्टरनून कुछ व्लॉग नहीं किया। नाश्ते के बाद से मैं लगी हुई थी काम में। तो वर्कशॉप है आज, जैसा कि मैंने बताया था, ट्रैवल कंटेंट क्रिएशन का, तो उसकी बस तैयारियों में लगी हुई थी। उसके बाद लंच किया फटाफट से, लंच भी बहुत जल्दी जल्दी में किया। अभी 3 बजने में बस 5 मिनट बचे हैं, वर्कशॉप बस शुरू होने वाली है। तो मैंने अपनी पोजीशन ले ली है, यहाँ पर बैठ के वी आर गोइंग टू बी डूइंग अ वर्कशॉप। ये 2 घंटे की है, 3 से 5, तो इट्स गोना बी जैम पैक। पूरा टाइम एकदम बोलना है कंटिन्यूसली। पानी की बॉटल भी पास में रख ली है, और एकदम बोलते बोलते ना बहुत ही सी गर्मी सी हो जाती है। और गर्मी वाला मौसम है भी, ह्यूमिडिटी है काफ़ी अहमदाबाद में। और हाँ, हर वर्कशॉप से पहले मैं थोड़ी सी नर्वस होती हूँ, बट जैसे ही शुरू हो जाता है ना, मज़ा आने लग जाता है। या सो वो करते हैं। अब वर्कशॉप के बाद आपसे बात करेंगे। बाय बाय। जस्ट वर्कशॉप कंप्लीट हुआ, मैंने चेंज किया बिकॉज मैं इतना स्वेट कर रही थी गाइज, क्योंकि इस रूम में एसी है हमारे घर में, और बाकी कहीं पर भी एसी नहीं है। और मैं बाहर हॉल में वर्कशॉप कर रही थी, क्योंकि बेड पे बैठ के वर्कशॉप करना, कोई भी काम करना मुझे नहीं पसंद है, प्रोफेशनल नहीं लगता है। तो मैं बाहर बैठ के कर रही थी, एंड मैं पूरे वर्कशॉप में इतना स्वेट कर रही थी। पर मुझे एट द सेम टाइम मुझे व्लॉग में मतलब सामने कैमरा में नहीं दिखाना था कि मैं स्वेट कर रही हूँ। ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगता है, प्रोफेशनल नहीं लगता है। तो बढ़िया वर्कशॉप हो गया, बहुत अच्छा वर्कशॉप रहा, बहुत मस्त रहा। सबने बहुत बहुत अप्रिशिएट किया, थैंक यू बोला। सो या इट वाज ग्रेट। अभी कुछ नहीं, अभी पति देव मेरी हालत देख के बोले तो बैठ शांति से एसी में, मैं चाय बनाता हूँ और हम चाय और टोस्ट खाएंगे। सिंपल थिंग्स, लिटिल थिंग्स। सो या दैट्स दैट। अभी बस थोड़ा सा शांति से बैठेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स करके, फिर देखते क्या करना है। वो सारे निकले तो थे हम ऐसी लॉन्ग ड्राइव के लिए, पर फिर मन हो गया कि बाहर कुछ खा लेते हैं। तो देयर इज़ अ केरलाइट रेस्टोरेंट इन अहमदाबाद। सागर जब कॉलेज टाइम पे था तब वो दोस्तों के साथ आया करता था। इट्स एन ओल्ड वन, बट काफ़ी अच्छे। यहाँ पे हमको एक बार हम आए थे तो साउथ वाला फ्लेवर, ऑथेंटिक। जानते जाने दे। तो बस वहाँ पर हम डिनर के लिए आए हैं। क्या क्या ऑर्डर किया कभी? 2 पापड़म, केरला के पापड़, 1 फ्री, 3 अप्पम और 1 केरला पराठा। हाँ भाई साहब, क्या मस्त पेट भर गया, एकदम बढ़िया। करी और अप्पम खाया हमने, एक नंबर, मजा आ गया। मतलब मुझे साउथ इंडियन फ्लेवर, आप लोगों को पता है जो लोग पहले से फॉलो करते होंगे, मुझे बहुत पसंद है। और हर चीज़ लाइक साउथ इंडियन डोसा, इडली से लेके मेदू वड़ा से लेके अप्पम से लेके उपमा से लेके उत्तपम, सब कुछ, एवरीथिंग। इवन आई लाइक द कोकोनट करी इन साउथ, लाइक साउथ इंडियन फूड में, क्योंकि कोकोनट का एक फ्लेवर होता है। आई रियली लाइक। और ये जो प्लेस है ये बहुत ही अंडररेटेड है ना अहमदाबाद में, यहाँ पे बहुत कम लोग ही जाते होंगे। 4 फूड करके बहुत ही, हम जब भी गए हमें लिमिटेड ही लोग दिखे। तो आज संडे था करके 2-4 टेबल भरे हुए थे। अभी ये पति देखो, इनको मीठा खाने का मन था, वहाँ उस रेस्टोरेंट में कुछ डेजर्ट नहीं था, तो इसने बोला मीठा तो कुछ खाना ही है मेरे को, तो इसने ले लिया आइसक्रीम। तुम्हारा डेजर्ट नहीं मिला केरलाइट रेस्टोरेंट में तुमको, तो तुमने क्या ले लिया, कौन सी आइसक्रीम। और मैं क्योंकि शुगर से परहेज कर रही हूँ अभी, और कुछ टाइम के लिए, मतलब कुछ टाइम के लिए क्या, वो तो मैं भी कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। पर ये खा के तुमने पूरा हफ्ते भर की पूरी तुमने वाट लगा दी ना, कुछ नहीं होता। होता है, इसमें बहुत शुगर होता है गाइस, तो मैंने नहीं खाई आइसक्रीम, ये खा रहा है। और हाँ, क्योंकि एक और रीजन है, बताया नहीं, बताऊँ तुझे, क्योंकि अभी मेरा जो फास्ट है ना 5 दिन का, वो नमक बिना वाला फास्ट है। तो उसमें मुझे, मेरे पास 2-3 ही ऑप्शन होंगे खाने के। वो होगा या तो मैं स्वीट खा लूँ, कुछ हलवा वलवा टाइप्स, या तो मैं फ्रूट्स खा लूँ, इसी तरीके का मुझे खाना पड़ेगा। तो मेरा स्वीट जो है वो, मेरे बॉडी में शुगर रश बहुत बढ़ने वाला है वो 5 दिन, तो इसलिए भी मैं थोड़ा सा अभी अवॉइड कर रही हूँ कि मैं मीठा कम ही खाऊँ, क्योंकि 5 दिन बहुत मीठा खाने वाली हूँ मैं। या अभी हम घर जा रहे हैं।